जय मसीह की दोस्तों, हम इस वीडियो में अंत के समय की भविष्यवाणियों को सुनेंगे। जब आप एक एक करके परमेश्वर की भविष्यवाणियों को सुनेंगे, आपका विश्वास होगा कि हाँ, परमेश्वर का आना निकट है। आपको तैयार होने की ज़रूरत है। परमेश्वर चाहता है कि आप हर समय तैयार रहें। सो आइए हम एक एक करके परमेश्वर की भविष्यवाणियों को सुनेंगे। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा की नाई उसकी ओर चलेंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अधन्यवादी, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। हे लड़को, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अभी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दें।